गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने पूर्ण संख्या को भिन्न से गुणा किया था। इस वीडियो में हम भिन्न की भिन्न से गुणा करेंगे। आप जानते ही हैं आधा, ये आधा हिस्सा होता है हमारा, तो हाफ ऑफ वन, वन का आधा, यानी कि वन के दो इक्वल पार्ट किए। इसे क्या कह सकते हैं, वन वन बाई टू मल्टीप्लाई वन, ये वन बाई टू ही आएगा, यानी कि हाफ ऑफ वन, एक का आधा। यहाँ पर का ऑफ का सेंस ऑफ का हम मल्टीप्लाई के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो हाफ ऑफ हाफ कैसे करेंगे बच्चों? देखिए, इस सीट को मैंने दो हिस्सों में बराबर कर दिया। ये कितनी है हमारी चौड़ी, ये हाफ पार्ट है। कितना पार्ट नीचे वाला, हाफ। इसका भी यहां से मैंने इसको भी हाफ में कर दिया, इसको भी हाफ में कर दिया। तो नीचे वाला कितना पार्ट बढ़ गया हमारा, हाफ ऑफ हाफ। और कितना सारे का हाफ ऑफ हाफ कितना है, ये वन फोर्थ है। तो इस प्रकार से हाफ ऑफ हाफ कितना आता है, वन फोर्थ आता है। यानी कि हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने आएगी हमारी, इस प्रकार से हमारी फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कंप्लीट आ जाती है। चलिए एक पार्ट और देखते हैं, हाफ ऑफ वन थ्री। हमने एक सीट को थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। चलिए इसका हाफ निकालते हैं, इसका भी हम यहां से हाफ करेंगे, इसका भी हाफ करेंगे, यानी कि वन थ्री पार्ट का हाफ। तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया ना, कितना पार्ट हो गया भाई हमारा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये वन सिक्स हो गया। इट मीन्स कितना आ गया हमारा, वन सिक्स। तो कैसे करेंगे, वन की वन से मल्टीप्लाई वन, टू की थ्री से मल्टीप्लाई वन बाई सिक्स। तो इस प्रकार से हम फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने के लिए न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई क्लियर हो जाती है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, थ्री फिफ्थ ऑफ हाफ। यहां से इस चीज को मैंने हाफ डिवाइड किया है, तो इसका थ्री फोर्थ कितना है हाफ का, थ्री फोर्थ का मतलब फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, फोर 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 फोर, तो ये थ्री पार्ट ले लिए, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हिस्सा थ्री फोर्थ ऑफ हाफ। तो ये पूरी का कितना होगा बच्चों, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो इसको बोलेंगे थ्री बाई एट। कैसे निकला, थ्री बाई फोर मल्टीप्लाई वन बाई टू, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से थ्री और फोर को टू से एट। इस प्रकार से हम जब भी फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से करना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करना है। चलिए वर्कशीट सेवन देखते हैं। वर्कशीट सेवन में क्या है, क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। ए पार्ट टू बाई थ्री मल्टीप्लाई फोर बाई फाइव, सीधा ही मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, टू फोर जा एट, थ्री फाइव जा फिफ्टीन। बी पार्ट करेंगे फोर बाई सेवन मल्टीप्लाई वन बाई थ्री, फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे फोर, थ्री को सेवन से ट्वेंटी वन। सी पार्ट करेंगे, सारे ही पार्ट आप इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए डी पार्ट करता हूँ, सी छोड़ देता हूँ आपके लिए, डी पार्ट देखते हैं। टू बाई फाइव मल्टीप्लाई फिफ्टीन बाई सिक्सटीन, टू के फाइव की मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टीन की मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी, सिक्सटीन की फाइव की सिक्सटीन फाइव या एट्टी। अब इसको हम स्मॉलेस्ट नंबर पे लेके आएंगे, दोनों ही फाइव से डिवाइड हो जाती है हमारी, फाइव से डिवाइड करते हैं, फाइव पे सिक्स, और जब फाइव पे डिवाइड करेंगे तो सिक्सटीन, फिर आगे टू पे डिवाइड होती है दोनों। स्मॉलेस्ट नंबर पे लेके आना बच्चों थ्री बाई एट, मैंने बताया था आपको इसको सीधा भी कर सकते हैं, फाइव पे थ्री और टू पे डिवाइड करके एट, स्मॉलेस्ट नंबर पे पहले ही ले आएंगे, सीधा ही आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ई पार्ट देखते हैं, थ्री एंड वन बाई फोर मल्टीप्लाई एट बाई नाइन, कैसे करेंगे, पहले इसको मिक्स्ड को इम्प्रॉपर बदलेंगे, थ्री फोर जो ट्वेल्व वन थर्टीन बाई फोर मल्टीप्लाई एट बाई नाइन, तो फोर पे टू, अब कोई स्मॉलेस्ट नंबर में आएगा नहीं, सीधा ही ट्वेंटी सिक्स बाई नाइन, नौ दो अठारह और आठ बाई। इसी प्रकार सारे पार्ट इसके कर सकते हैं, एक पार्ट मैं कर देता हूँ और आई पार्ट देखिए। चलो इससे पहले एफ पार्ट देखते हैं, एफ पार्ट में क्या है, सेवन एंड हाफ मल्टीप्लाई एट एंड वन थ्री, सेवन टू जा फोर्टीन, फिफ्टीन बाई टू मल्टीप्लाई एट थ्री ट्वेंटी फोर,
एंड 25 बाई 3 कैंसिल कर लें, 3 से 3 5 सर कितना आ गया। अब न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से 525 की मल्टीप्लाई 125 और इस 2 की 1 से 2, इसको फिर उसमें बदलना आपने 62 एंड हाफ। इस प्रकार से आप इसके सारे पार्ट कर सकते हैं। आई पार्ट लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में क्या बच्चों, 4/5 मल्टीप्लाई 7/8 मल्टीप्लाई 24/31। जैसे कि स्मॉलेस्ट नंबर में पहले ले आएंगे, 4 से डिवाइड होता है 4 2 जा 7 से 7 1 जा 7 5 जा। अब 2 से डिवाइड होता है 2 पे 12, कितना आ गया बच्चों 12/5 5 जा 25। इस प्रकार से आप इनको फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं।